Hey! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीटी क्लास में ऐसा बेहुदा डांस करने की? अभी मजा सिखाता हूँ, जोकर! रुको सब लोग, भूल गए तुम सब लोगों की बैग मैं उठा कर लेकर जाऊंगा। अरे हाँ, मोंटू हमारे बैग लेकर जाने वाला था, ये डिसाइड हुआ था, है ना? लाओ लाओ अपनी बैग। हाँ, चलो फ्रेंड्स सब लोग अपने बैग दे दो। और मोंटू, सबके बैग आराम से लेकर जाना। जो हुकुम मेरे आका। अब आप लोग बिंदास जाओ, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, दे दो सब लोग, चलो। ध्यान से चलो। बॉस, इससे अच्छा तो आप रेलवे स्टेशन पे कूली बन जाओ, कम से कम थोड़े पैसे तो कमाने मिल जाएंगे। हाँ, पिज्जा नहीं तो वड़ा पाव के पैसे तो मिल जाएंगे। चुप करो मोंटू, बिना मतलब की समाज सेवा नहीं करता। अब तुम्हें पता ही क्या है कि मोंटू क्या चीज है? बॉस, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मोंटू चीज नहीं, जानवर है। नहीं नहीं केवल हाथी है, हाथी। चुप! बॉस, ये क्या कर रहे हो? बॉस, ये क्या? हाँ, क्या ये? एक मिनट रुको, अपने आप पता चल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। बॉस, आप इतने बड़े हो कि आपको चांद से भी देखा जा सकता है। मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाँ। ये काम क्यों नहीं कर? ये क्या? अरे बॉस, अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कहाँ बॉस? यही तो होगा, दो तुम दोनों के सामने। सामने? लेकिन वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब दिखाई दे रहा हो? हाँ, दिखाई दे रहे हो। अभी देखो। अरे अब फिर से नहीं दिखाई दे रहे हो? बॉस, सच में नहीं दिखाई दे रहे हो आप तो? ना कमाल की चीज। हाँ, एवीपी विद्या मंदिर के पिद्दियों, अब तुम देखना मैं इस गायब गैजेट के मदद से कैसी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये गायब गैजेट मेरे पास है। माना सलोनी, सच्ची में आज मजा आ गया। अब वो मोंटू गेंडा गेंडा नहीं रहा, बल्कि भीगी बिल्ली बन गया है। हाँ, और ये सब उस गायब गैजेट का कमाल है। क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा चक्कल। हाँ चतुर, चतुर मैं तो जानता था एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे जरूर आओगे। हाँ। अरे तेरा टॉप सीक्रेट अभी भी टॉप सीक्रेट ही है, मैंने उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है ना कि अगर मैं भी ढूंढना चाहूँ तो मुझे भी ना मिले। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक बच्चों, उस दिन वो जो चतुर अंकल मुझसे स्कूल में मिलने आए थे, जिनको तुम लोगों ने वाटर बॉटल फेंक के मारा था, उस दिन जल्दी जल्दी में तुम लोग उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन कल मिल लेना। ठीक है पापा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अरे महेश, सचिन अब तो तू उस गायब गैजेट को उसकी जगह पे वापस रख देगा ना, या फिर अभी भी कुछ शरारत बाकी है? क्या मानव, वो शरारत तो मोंटू को सुधारने के लिए थी, अपना काम तो हो गया, बस उस गायब गैजेट को वापस रखना है। हाँ।
से करो, गलती से तुम्हारे बैग में चला गया। तू कार गैजेट तो मेरे बैग में नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ गया कार गैजेट? अगर गजानन अंकल को पता चल गया तो? तू घबरा मत, हो सकता है वो स्कूल में रह गया या फिर कहीं रास्ते में ना गिर गया। चलो चलो भगुया, मेरा मतलब चलो चलो देखते हैं। हाँ, फिर वो गायब गजेट किसी के हाथ लग गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोल, चलो। उस ब्राह्मण परी ने अपनी बुराई से बच्चों के नाक में दम कर रखा है। हाँ, और हमें जल्द ही उस बुराई से लड़ने का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। हाँ, इसे जल्द ही रोकना होगा वरना पृथ्वी लोक के सारे बच्चे इस बुराई की चपेट में आ जाएंगे। परियों, ये सब हमारी भूल की वजह से हुआ है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। क्या हुआ बालपति, आप ठीक तो हैं? माँ, आप ठीक तो हैं ना? हमें अचानक चक्कर सा आ रहा है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन बालपरी, हम परिया तो कभी कमजोर महसूस ही नहीं करती। ये बालपरी को क्या हुआ है? हो ना हो, ये जरूर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। कैसे बन गए? ये क्या हो रहा है रानी पे? रेत रोग। रहोगी आप दोनों यूं ही या फिर बताओगे मुझे कुछ कि हो क्या रहा ये सब? रेत रोग, ये अच्छी और सच्ची परियां बुरी शक्तियों के साथ बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती, इन्हें रेत रोग हो जाता है। जैसे ही बाल परी पर भ्रमण परी की बुरी शक्तियां अपना कमाल दिखाएंगी, धीरे धीरे बाल परी सर से लेकर पांव तक रेत ही रेत हो जाएगी। लेकिन अगर है ये रोग तो होगा इसका कोई ना कोई इलाज, है ना? इस रेत रोग का एक इलाज, यदि दर्पण दीक्षा के माध्यम से बाल परी को उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाए तो बाल परी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये नामुमकिन है रानी परी, क्योंकि वो दुष्ट ब्राह्मण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। एकदम सही, ब्राह्मण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं अपनी जान दे दूंगी पर बाल परी की जान में जान कभी नहीं आने देगी। मैं उसकी शक्तियां कभी नहीं लौटाऊंगी, कभी नहीं। परियों, एक और रास्ता है बाल परी को बचाने का। यदि कोई सच्ची और अच्छी परी दर्पण दीक्षा से अपनी सारी शक्तियां बाल परी को दे दे और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले ले तो बाल परी की जान बचाई जा सकती है। परंतु दुविधा यह है कि फिर ये रेत रोग उस परी का जीवन समाप्त कर देगा।
नहीं होगा रानी परी, क्योंकि माँ के साथ दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया कोई परी नहीं बल्कि मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगी। भालवी, 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 आप? कल मैं माँ को अपनी शक्तियां दूंगा और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले लूंगा। अरे यार, कहाँ रह गया गेंडा? किसी जंगल में घास खा रहा होगा। तो मेरा मतलब है कहीं बैठ के अकेले अकेले ठूस रहा होगा पिज्जा बर्गर। पेट में दर्द हो जाएगा उस हाथी के अगर वो हम दोनों को छोड़कर अकेले पिज्जा बर्गर खाएगा। ये एक भूखे का श्राप है। अरे जाने दे केवल, मोटी खा ले उस गेंडे की। अरे तेरे श्राप का कुछ असर नहीं होगा उस पे। अच्छा बच्चों, मेरी पीठ के पीछे मेरी इज्जत की बात लगा रहे हो दोनों मिलके। अभी देखना कैसा मजा चखाता हूँ। केवल अब तो वो मोंटू आने से रहा, चल हम बैठ ही जाते। आ गया। ये जरूर मोंटू बॉस का काम है। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। हाय मोंटू बॉस, हाउ आर यू? हेलो मोंटू बॉस, हम आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, और मैं तो ये भी कह रहा था कि मोंटू बॉस एक नंबर के जीरा है, जीरा। आई मीन हीरा है, हीरा। हाँ मोंटू बॉस, मैं तो ये भी कह रहा था सॉरी किसे बोल रहे थे? मोंटू बॉस तो यहाँ है। आप कहाँ से? वहाँ से। तो यहाँ पे कौन था जो ये बेंच हिला रहा था? कोई भूत तो नहीं? भूत? हाँ वो भूत मैं ही था। हाँ वो भूत मैं ही था। अब ये भूत तुम दोनों को खाएगा। क्या बोला था? मेरी मोटी चमड़ी है, मैं गेंडा हूँ। हाँ? अरे बॉस, लेकिन बॉस वहाँ भी और यहाँ भी, कैसे कैसे? ये सब गायब गैजेट का कमाल है। हाँ मैं तुम्हें मिलने आ ही रहा था, तो मैंने सुना कि तुम दोनों मेरी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे, और ये गायब गैजेट की मदद से मैं गायब हो गया, और फिर तुम दोनों की यहाँ बैंड बजाई, और फिर मैं वहाँ गया और वहाँ इनविजिबल से विजिबल हो गया और यहाँ आया, समझे? वाह बॉस। अब देखना, जैसे मैंने तुम्हें उल्लू बनाया ना, वैसे ही उन पिद्दियों को भी उल्लू बनाऊंगा। कैसे बॉस, थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। हाँ देखो, मैं उन पिद्दियों के सामने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। मैं वो अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करूंगा। हाँ। बट पीठ पीछे ये गैजेट की मदद से उनके बैंड भी बजाऊंगा, फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गैजेट किसके पास है। वाह बॉस, आपका शरीर भले ही हाथी का है लेकिन दिमाग लोमड़ी का इंस्टॉल किया आपने। हाँ बिद्दियो, रोने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आ रहा है। चले गए।
हमारा गायब गैजेट गुम गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो यही कहीं रास्ते में गिरा होगा। हम लोग इसी रास्ते से घर गए थे, अच्छे से ढूंढते हैं, मिल जाएगा। बच्चों, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। सब तेरी गलती है सचिन, मैंने तुझे कहा था कि अभी जाकर वो गायब गैजेट घर पे रख दे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मानता तो हम मोंटू को सजा कैसे देंगे? मोंटू को उसकी सजा मिल तो गई थी, अब क्या उसे पूरे टाइम सजा ही देना था? अब मोंटू को सजा देने के चक्कर में हमें जो सजा मिलेगी उसका क्या? देख मानो, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तो और टेंशन मत बढ़ा। अच्छा, तेरी टेंशन टेंशन और मेरी टेंशन कम ना मेंशन। ए अट्टा माजी फदगी, मैं अकेला तो तू मुझे डरना मत, अगर मेरे साथ मेहर होती ना तो तुझे पीट देती। हाँ होती तो ना, अभी है नहीं ना। देख माना, अभी तू अकेला है, मेहर नहीं है तेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेरे दोनों दुश्मन तो आपस में ही लड़ने लगे, वाह। हाँ, इस जलती हुई आग में थोड़ा घी डाल देता हूँ, तब मजा आएगा। देख सचिन, तुम मुझसे भड़क के बात मत कर, वरना मुझे ही भड़कना आता है। अच्छा, तुझे भड़कना आता है? दिखा भड़क, भड़क के दिखा। अरे दिखा ना भड़क के। सचिन शांत हो जा। नहीं यार नहीं, दिखा भड़क के। क्योंकि उसके बाद पड़ेगा आपको रोना जी भर के, क्योंकि जब भी हंसती आप ऐसी भयानक हंसी मिलती है आपको हार बार बार लगातार। चुप, मनुष्य, हमारी जीत को नजर मत लगाओ, क्योंकि इस बार मेरी हंसी रुकने वाली नहीं है। इस बार मेरी हंसी उन परियों को बहुत रुलाएगी। अरे नहीं रोएगी वो, क्योंकि बचा लेगा बालवीर बाल परी को दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया करके। तौबा तौबा, तुम कद में छोटे हो लेकिन बेवकूफ बहुत बड़े। तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ कहने के? अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहो तो और क्या कहो? देखो, अगर बालवीर बालपरी को बचाएगा तो रेत्रो उसको अपना शिकार बना लेगा, और इससे अच्छी बात भयंकर परी के लिए और क्या हो सकती है कि खुद ही उसका दुश्मन खुद ही अपनी जान ले रहा है। नई भ्रमण परी, एक और बात है जो इससे भी अच्छी हो सकती है। है क्या वो बात? अब इस दर्पण दीक्षा के खेल में एक नहीं दो जाने जाएंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भयंकर को समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसे भयंकर कौन कहता? अब सुनो, जिस तरह तुमने डूबा डूबा एक बनकर
बाल परी की शक्तियां हासिल की थी, उसी तरह कल तुम बाल परी बनकर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बालवीर की शक्तियां हासिल करोगे। बेचारे, माँ तो रेत रोग का शिकार होकर पहले से ही ढेर है, और कल के बाद बेटा भी रेत रोग का शिकार होकर ढेर हो जाएगा। वाह, मां गए भयंकर पर। क्या कि है ये कमाकर बेवकूफ और नालायक? बेवकूफ, चुप करो। भयंकर परी, आप बुराई से बनी हुई वो खाई है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। अभी तो और खुश होना बाकी है भयंकर परी। जब कल मैं बाल परी बनकर बाल वीर की सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। मेरी बात शांति से सुनना प्लीज, मैंने तुझे नहीं मारा सचिन। नहीं कैंडी ले, नहीं आज तू बचेगा नहीं। भागो सचिन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सच्ची। कोई मुझे ये सब कुछ करवा रहा है, मेरा यकीन कर सचिन। सच्ची, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं साल सच्चे के परिवार से हूँ, तुझे तो पता है ना? मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, और अभी एक नहीं तीन दिन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रुक, नहीं सच्चे, देख नहीं, नहीं सच्चे। अरे सच्चे रुक जा ना प्लीज। एक मिनट सच्चे। हाँ, वहां पर देख, देख मैं इधर जेड़ा हूँ, मैं अगर पीछे मुड़ूंगा तो तू भाग नहीं जाएगा। ओहो, अच्छा मेरा हाथ पकड़, बस अब तो देख वहां पर सिर्फ रोहित केवल है, पर मोंटू नहीं है, देख। हाँ तो मोंटू को हर जगह होना जरूरी है। ओहो सचिन, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है ये सब मोंटू ने किया है हमारा गायब गैजेट पहन के। हाँ, अगर मोंटू वहाँ पे नहीं है तो फिर वो गिल्ले है कहाँ? हाँ, वो गायब गैजेट पहन के हमें परेशान कर रहा है। पीछे देख। नहीं, मैं पीछे देखूंगा तो तुम मुझे मारेगा। अरे नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ पकड़। हाँ ठीक है, अब देख पीछे, देखना। बोल एक मोंटू, और तू क्या बोल रहा था कि मोंटू हमें परेशान कर रहा है? देख, तू मोंटू का नाम लेके ना मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अच्छा ठीक है, मोंटू के पास तो गायब गैजेट नहीं है, बस फिर मुझे पैर मार के किसने गिराया? हैं? वो तो खुद गिरा था। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा माजी पटकली। नहीं नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हम हमारी जान के बदले आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते।
मिस दर्पण दीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आपको रेत रोग से समाप्त होते हुए देखने से तो अच्छा है कि हम खुद समाप्त हो जाए। माँ। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस तरह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रानी परी, कल दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया तो होके ही रहेगी, लेकिन वो प्रक्रिया मेरे और माँ के बीच में नहीं, बल्कि माँ और भ्रमण परी के बीच में होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? मैं सही कह रहा हूँ आरपार परी, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तब भयंकर परी का खोजो खोजो यंत्र हमारी सारी बातें सुन रहा था। क्या? बालवीर, जब आपने खोजो खोजो यंत्र देखा तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं उनके यंत्र को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी और माँ की दर्पण दीक्षा वाली बातें भयंकर परी और भ्रमण परी ने सुन ली होगी, और क्योंकि भ्रमण परी को शक्तियां पाने का बहुत लालच है तो वो अपने लालच के चलते इस जानकारी का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। यानी आपके अनुमान के अनुसार जिस प्रकार भ्रमण परी ने डूबा डूबा एक का रूप धारण करके बाल परी की सारी शक्तियां ले ली, ठीक उसी तरह वो बाल परी का रूप धारण करके आपकी सारी शक्तियां लेने का प्रयास करेगी? ये मेरा अनुमान नहीं, मेरा विश्वास है रानी परी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगा, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ गाल परी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। बस प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में मेरी जगह माँ होगी भ्रमण परी के सामने। और फिर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बाल परी और भ्रमण परी की शक्तियां अदल बदल हो जाएंगी। हाँ, और फिर बाल परी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाबाश बालवीर, आप एक शूरवीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार योद्धा भी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। ये लास्ट जगह है, अगर स्कूल में भी हमारा गैजेट नहीं मिला तो समझ लो पक्का हमारा गैजेट गुम गया है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हमारा गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया है, वरना मेरा हाथ हवा में ऐसे अपने आप कैसे उड़ता, कौन मुझे लंगड़े डालकर ऐसे गिराता। अरे मानव, तो थोड़ी देर शांति रखेगा, सबको शांति से गैजेट ढूंढने दे। सलोनी और वानी, तुम लोग वहाँ पे ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। चलो सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम बालवीर को बुलाते हैं, बालवीर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सच में। अरे वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि बालवीर हमें डांटेगा और कहेगा कि हमने ये गलत किया है, और घर वालों के साथ साथ हम बालवीर की नजर में भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, फिर तो बालवीर को नहीं बताते, हम लोग अपना गैजेट ढूंढते हैं, पर अपने क्लास में भी तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, बाहर चले। चलो बुरे समय जी, कहाँ हो आप? अपने भक्त से मिलने नहीं आए, कल से आप मिलने नहीं आए मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हा? मैं अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, वो भी पूरे ईमानदारी से, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। बुरे समय जी कहाँ हो? नाटक कर रही है। इसको तू छोड़ और गैजेट के बारे में सोच।
और वैसे भी नाच शुरू होने में भी अभी टाइम है, तो क्या करें, बाहर जाकर ढूंढें। हाँ चलो, चलो। अरे क्या हुआ? मुझे और रमेश को इनकी बॉटल देनी थी। एक काम करो, तुम लोग ढूंढने जाओ, मैं फटाक से उसको बॉटल देके तुम लोग को मिलता हूँ। ठीक है चलो। कहाँ हो? ये तेरा वहाँ पे रख देना। बड़े मेहनती होते हैं ये सच्चे और अच्छे बच्चे। गुम हो चुकी चीज को भी ढूंढते रहते, पर ये नहीं जानते कि इनकी वो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास है, और अब मोंटू उस चीज से इनकी और भी बड़ी वाली वाट लगाने वाला है। ब्रह्मन परी, तुम यहां? बड़ी भोली हो बाल परी, जैसे तुम मेरे छासे में आ गई और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठी, बिल्कुल वैसे तुम्हारा बेटा यानी कि बालवीर मेरे छासे में आ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठेगा, और फिर तुम दोनों माँ बेटा एक साथ इस रेत रोग का शिकार बनकर दम तोड़ दोगे धीरे धीरे। ब्रह्मन परी, बुराई कितना भी जाल बिछा ले, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं पकड़ सकती। थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि बालवीर तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि तुम बालवीर के जाल में फंस गई हो। बालवीर तैयार हो जाओ, भ्रमण आ रही है। बालवीर, आप दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? जी रानी परी, मैं तैयार हूँ। टेरी परी, आप जाइए और बाल परी को बुला कर लाइए। जी रानी परी। बाल परी, चलिए दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए टेरी परी, हम तो कब से तैयार हैं। जी बाल परी। बालपरी, 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 आप ठीक तो है ना? हाँ विस्तार परी, हम ठीक है, बल्कि बहुत ही जल्द हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर में ब्रह्मन परी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए बालवीर के सामने घुटने टेकने वाली। बालवीर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने सोच लिया है रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ठीक है, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। कुछ ही देर बाद बालवीर रेत बनने लगेगा,
और मैं बालवीर की शक्तियां लेकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्रमण परी, तुम महाशक्तिशाली नहीं केवल इतिहास बनोगे, एक बुरा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा। परी, पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि बुराई की उड़ान कभी लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई को हार माननी ही पड़ती। रमण परी, अब तुम्हें सच्चाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सजा देने का समय आ गया है। तुमने मां को और पृथ्वी लोक के मासूम बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियो, शुक्रिया बालवीर।